सैटरडे के क्लास में, लास्ट हमारी क्लास में, हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। और आज से हम एक नया चैप्टर जा रहे हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन टू द फर्दर चैप्टर, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो आप लोग को होमवर्क या असाइनमेंट दिया था, जिसमें आप लोग को पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना था, आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर आपके स्टेट बोर्ड का, वो आप लोगों ने किया है? हाँ सर, मतलब किया है काफी सारे है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनको करना चाहूंगा कि अगले दो दिन में, मतलब मैं आज का दिन दे रहा हूँ और कल का एक दूंगा, मतलब बाई टुमारो इवनिंग या नाइट तक, ठीक है, आपके वो सबमिशन हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगर आप सबमिट करोगे तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। विद इन यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, क्लियर है? और अगर किसी कोई दिक्कत होगी तो वो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, डन। और इसकी जो आंसर की रहेगी वो भी मैं आपको शॉर्टली प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज से हम एक नया चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल लो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहो, ठीक है। तो भाई हम सब लोगों को पता है कि एटम क्या होता है, बताइए व्हाट इज एन एटम? क्या होता है एटम? एटम इज द फंडामेंटल, एक तो ये सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है, राइट। और ये फंडामेंटल यूनिट कैसा होता है? स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल होता है, स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल, ओके। तो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फंडामेंटल यूनिट ऑफ पार्टिकल या मैटर, ठीक है। तो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा इनडिविजिबल और फंडामेंटल जो यूनिट होता है उसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यूनिट का मतलब पता है ना? यूनिट मतलब क्या होता है? ऐसी इकलौती चीज जो मिलकर बहुत बड़ी चीज बनाती है, उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी, हमारी बॉडी का यूनिट, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी, मतलब सेल यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट मतलब एक पार्ट, पूरे बॉडी का एक पार्ट होता है सेल। तो वैसे किसी भी मैटर का जो यूनिट होता है वो एटम होता है, क्लियर है डन। तो अब हम बात करते हैं भाई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है डन। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसके बारे में कोई क्लियर कट जो जानकारी दी नहीं गई थी इनिशियली, मतलब पुराने जमाने में इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। पहले सबसे पहले जानकारी दी थी एटम के बारे में, ठीक है। तो देखिए एटम के बारे में सबसे पहली जो जानकारी दी थी, दैट वाज गिवन बाय द ग्रीक एंड इंडियन फिलोसोफर, ठीक है। कुछ ग्रीक और इंडियन के जो फिलोसोफर थे उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में जानकारी दी थी, और उन्होंने भी यही कहा था कि भाई एटम जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का, जो कि इनडिविजिबल होता है, ठीक है डन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड एटम है, ओके, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अटोमियम, अटोमियम, ठीक है। ये जो एटम वर्ड है ये अटोमियम वर्ड से डिराइव हुआ है। ये अटोमियो वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ओके, ग्रीक वर्ड है ना। जैसे आप लोगों को पता है ना, पागल, बयार, ये सब हमारे इंडियन वर्ड है, वैसे अटोमियो ये ग्रीक वर्ड है, और ये अटोमियो से आप लोगों का वर्ड बना हुआ है एटम, राइट। अब सवाल ये आता है कि अटोमियो का मतलब क्या होता है, राइट। तो अटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब ऐसी कोई भी जो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम लोगों की दोस्ती है ना, मेरी और अलाने फलाने की दोस्ती इनडिविजिबल है, तो आप कि भाई मेरी और उसकी दोस्ती अटोमियो है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो इनडिविजिबल होता है अटोमियो का मीनिंग, और इसी वर्ड से आप लोगों का वर्ड बना हुआ है आइटम, क्लियर है, समझ में आ गया। आइटम वर्ड कहा से कैसे दिया हुआ, तो ओके गुड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो भाई एटम के बारे में सबसे पहली जो जानकारी दी थी, द फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग द एटम, ओके, तो बताइए ये किसने दी थी? द फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग द एटम वाज गिवन बाय
कितने दे दिए आपको? तो सबसे पहला जो एटम की थ्योरी दी थी वो हमको दी थी भाई जॉन डाल्टन ने, और ये वाली थ्योरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मतलब मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी चलिए इस जॉन पोस्टुलेट सॉरी ये जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स, ओके डन। जो मेन मेन पॉइंट पोस्टुलेट्स राइट। तो चलिए बताइए कौन कौन से पोस्टुलेट्स था। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या होता है कि एटम ये कैसा होता है, एटम इज इनविजिबल पार्टिकल, इनविजिबल यूनिट होता है, ठीक है। देन सेकंड इसने बोला था कि एटम जो रहेंगे ऑफ सेम एलिमेंट वो कैसे होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज थी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, ये उसका दूसरा पोस्टुलेट्स था। देन तीसरा पोस्टुलेट्स क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, समझे। ये हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट था। फिर उसके बाद में उसने एक और पोस्टुलेट दिया था क्या कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट अरे सुखी तू तुझा म्यूट कर तो बरा थोड़ा सा सुखी म्यूट कर तुझा माइक म्यूट कर हाँ। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ डेफिनेट रेशियो, इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, बराबर है। तो ये कुछ मेन मेन हमारे क्या थे पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, बराबर है। बट इस पर्टिकुलरली पोस्टुलेट्स के साथ साथ में ठीक है इसके आगे आगे जैसे फिर क्या हो गए मतलब इन्वेंशन होते गए वैसे वैसे फिर इस पर्टिकुलरली थ्योरी के ड्रॉबैक सामने आए, बराबर है। जिसमें से सबसे पहला ड्रॉबैक आप लोगों को पता है कि एटम जो पहले इनडिविजिबल बोला गया था बाद में ये पता चला कि एटम खुद ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, मतलब ये वाला जो था ये ड्रॉबैक था उसका। सेकंड उसने बोला था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये तो बताया है कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। भाई ये वैसी बात हो गई कि एक ही घर के बच्चों की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी और दूसरे दूसरे घर के बच्चे लेंगे तो उन सब की प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, भाई ये हमको पता है। बट उसने ये नहीं बताया कि भाई ये एटम सेम प्रॉपर्टीज रहती है या डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, तो ये रहती क्यों है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एलिमेंट्स व्हाई द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लास्ट में इसने बोला था कि एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट उसने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होंगे। मॉलिक्यूल बनाते ठीक है, कंबाइन होते ये भी ठीक है, बट होते क्यों है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बराबर है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे राइट। तो अल्टीमेटली ये सारे ड्रॉबैक्स की वजह से जो जॉन डाल्टन ने एटम्स का स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर को क्लियर कट नकार दिया गया है, मतलब ये थ्योरी को नकार दिया गया है, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। ध्यान दीजिए जॉन डाल्टन ने सिर्फ थ्योरी बताई थी कि भाई एटम क्या होता है, लेकिन इसने कहीं पर भी स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिमाग में डाल दिए आप, जॉन डाल्टन ने सिर्फ क्या बताया था कि भाई एटम क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ये उसने बताया था, बट उसने कहीं पर भी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं दी थी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ आया, किसके बारे में जानकारी नहीं दी थी उसने, किसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं दी थी।
ओके सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी दी थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो जे जे थॉम्पसन नाम का साइंटिस्ट था. कौन सा साइंटिस्ट था? जे जे थॉम्पसन. लेकिन जे जे थॉम्पसन ने जो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी वो स्ट्रक्चर की जानकारी उसने किस बेसिस पर दी थी? कुछ पर्टिकुलरली पॉइंट्स के बारे में सोचकर. ओके देखिए अगर मैं आप लोग वर्ड दे दूं ठीक है तब आप उससे क्या हो सकते हो उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास एक एनिमल है. ओके राइट अब मैं इसके कुछ कुछ इसके बारे में डिस्कवरी कर रहा हूँ. राइट अब मैं इस एनिमल की डिस्कवरी ये करूंगा कि ये क्वाड्रापेडल है. क्वाड्रापेडल मतलब इसके चार पैर है ठीक है. देन ये यूनिटेल है मतलब इसमें एक पूछ होती है. देन ये जो आप लोगों का मांसाहारी जानवर मतलब आप लोगों को पता है ना मांसाहारी को क्या बोलते हैं? नॉन वेज नहीं क्या बोलते हैं भाई उसको? अरे वो हाँ कॉर्निवोरस बराबर है. राइट कॉर्निवोरस है ठीक है. लेटर ऑन ये ताड़ुबा में रहते हैं ठीक है. अब ये वाली मैंने इसके ऊपर डिस्कवरी कर दी है. अब बताओ ये पॉइंट्स को लेकर आप इस एनिमल का स्ट्रक्चर बता सकते हो या नहीं है? बता सकते हो आपको ध्यान में ठीक है. चलो अगर और भी डाल दूंगा कि भाई ये जो होता है थोड़ा सा येलोइश टाइप का इसका कलर होता है ठीक है. देन इसमें कुछ स्ट्रिप्स होते हैं ब्लैक कलर के या और किसी रंग के. राइट डर और इसके मूछे भी होते हैं है ना डर. राइट मूछे को मुश्ताक भी होते हैं इसके. ये अगर मैंने और इसमें पॉइंट्स ऐड कर लिए ठीक है तो अल्टीमेटली आप इस चीज को अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं है इसके स्ट्रक्चर को? कर पाएंगे बराबर है. वैसे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने के लिए पहले क्या किए गए होंगे इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किए गए होंगे. क्या किए गए होंगे इसके बारे में? ऑब्जर्वेशन किया गया होगा बराबर है. अब देखिए ये एनिमल एक बहुत बड़ी चीज है तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए तो भाई हम लोग अपने आंखों से इसको निहार ले ताड़ ले देख ले तो हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे. बट अगर ऐसी छोटी चीज एटम को जो हमारे आंखों से दिख ही नहीं रहे तो भाई इसके ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप लोगों को नेकेड आई मतलब आप आंखों से तो नहीं दिख कर पाएंगे तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए करने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा आप लोग को? एक्सपेरिमेंट. तो क्या हो गया जब जॉन डॉल्टन ने अपनी पहली थ्योरी दी थी उस थ्योरी के बावजूद काफी सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते रहे और इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो जॉन डॉल्टन के थ्योरी का सबसे पहला वाला पॉइंट था कि एटम कैसा होता है? इंडिविजिबल. वो सारे से मतलब खारिज किया गया क्योंकि इसके वजह से इसकी वजह ये है कि बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि भाई एटम के अंदर में भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. राइट और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर या फिर जिसके वजह से एटम्स बना हुआ है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसको क्या कहा जाता है? सब पार्टिकल्स. राइट ध्यान में रखना एटम्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहे जाते हैं. अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इसको हम वैसे आप लोगों को पता है ठीक है ये कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट. तो ये तीन हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता है बट सवाल ये आता है कि ये तीन ही है क्या? तो इसका जवाब है नहीं. इसके अलावा भी काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे होते हैं. अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन होता है ठीक है मेजॉन होता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. समझ में आ रहा है डन. तो इसका मतलब क्या है? एटम सिर्फ हमारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से ही बना है क्या? तो इसका जवाब है नहीं. एटम्स बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई ये इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है तो फिर हम सिर्फ जानकारी किसके बारे में लेते हैं? किसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग? सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो ये जो तीन पार्टिकल्स होते हैं इनको हम मेन सब एटोमिक पार्टिकल्स कहते हैं, मेन सब एटोमिक पार्टिकल्स कहेंगे। इसके अलावा जो बाकी के मैंने नाम लिए जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, मेजॉन हो गया, बहुत सारे हैं, डन राइट। तो ये सारे जो पर्टिकुलरली पार्टिकल्स होते हैं इनको हम अदर सब एटोमिक पार्टिकल्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? सब एटोमिक पार्टिकल्स मेन और अदर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होंगे, जिसमें से मेन सब एटोमिक पार्टिकल्स कौन से हमारे कौन से हैं? और जब हमारी 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही थी अर्लियर, ओके, तब सबसे पहले क्या हो गया था, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती गई थी। ठीक है, डन। तो अब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी हमको कैसे कैसे मिली थी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को जो जानकारी मिली थी सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में वो कौन सा था? सबसे पहले कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग को जानकारी मिली? दैट वाज द इलेक्ट्रॉन। जो जानकारी मिली थी दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटॉन। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग को जो जानकारी मिली थी दैट वाज द न्यूट्रॉन। ओके, उसके बाद सारे पार्टिकल्स की जानकारी मिली है, ये तीन पार्टिकल्स है। तो हम ये देखते हैं कि ये तीन पार्टिकल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया, फिर प्रोटॉन को और फिर न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, देन अब सवाल ये आता है, आप लोगों को जो बेसिक चीजें पता है इनके बारे में, जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या जैसे सबसे पहले मुझे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है चार्ज। अब आप लोगों को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर भी चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये पता है ना आप लोग को? पता है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए बताइए अभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन्स चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, बराबर है, डन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर जो पर्टिकुलरली क्या होता है आप लोगों के एटम्स में, ठीक है, डन, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। अब मुझे बताओ, जैसे आप लोग कंसीडर कर सकते हो मेटल, आपको पता है कि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? हाँ, राइट। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और आपके लोगों के एटम, इन लोगों के बीच में रिलेशन है या नहीं है? है, है, है। तो सब इम्पोर्टेंट चीज पहले ये आती है कि भाई एटम्स और आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ये हम लोगों को कैसे पता चला? ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं पता चला होता तो ये सारी जो चीजें है ये कभी ढूंढी ही नहीं जा सकती थी। क्लियर है, डन। और चलो ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है ये क्या हो गया था, पहले ही ना ये वाली चीजें ढूंढी गई थी, लेकिन ये चीजें ढूंढने के बाद में फिर रिलेशन बताया गया था एटम्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ओके, बट हम लोग उल्टा करेंगे, पहले हम रिलेशन को समझते, एटम्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन क्या उसको समझते, और उसके बाद में फिर हम इनके डिस्कवरी के बारे में समझते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन हम लोग को कैसे पता चला। तो ये पता चला था हमारे ग्रेट 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 साइंटिस्ट की वजह से, जिसका नाम था माइकल फैराडे। ओके, क्या नाम था इनका नाम? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, राइट। माइकल फैराडे की वजह से हम लोग को ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक करंट और कहीं ना कहीं जो एटम्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, राइट। तो माइकल फैराडे ने ऐसा क्या किया था कि जिनके वजह से हम लोग को इनके बीच में रिलेशन पता चला, ठीक है। तो चलो वही देखते हैं। तो माइकल फैराडे ने एक बहुत ही फेमस ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उन फेमस एक्सपेरिमेंट्स के नाम थे क्या पता है क्या? उन फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम सुना है आप लोगों ने इससे पहले? हाँ सर। हाँ सर। राइट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है?
इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है लाइसिस। ओके डन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक होना। ओके और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलरली एक्वियस सॉल्यूशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिया जाता है यहां पर? एक एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब समझाता हूं, जैसे मैंने नमक ले लिया और उसको पानी में डाल दिया। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब किसी भी चीज का जब हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वा मतलब वाटर, किसी भी चीज का पानी के साथ बनाया हुआ सॉल्यूशन कॉल्ड एज अ एक्वियस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ रहा है? ओके okay. तो अभी यहाँ पर मैं एक्वियस सॉल्यूशन बना रहा हूं, मतलब मैं पानी में कोई चीज डाल रहा हूं, तो मैं यहाँ पर दो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। एक चीज में मैं कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl डाल रहा हूँ, मतलब ये वाला सॉल्यूशन नमक का सॉल्यूशन है, और ये वाला सॉल्यूशन मेरे शक्कर का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने क्या कर लिया, इन दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लिया। किस चीज को पास कर लिया? इन दोनों में भी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहूंगा, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक करंट तभी पास होता है जब क्या होता है, उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट बिना चार्ज के पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। पास करना है तो मुझे दो अपोजिट चार्जेस चाहिए। कौन से? चार्ज मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो चार्जेस मैं डाल रहा हूँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉड, मेटल रॉड। मेटल रॉड के फॉर्म में डाला जाता है। आप लोगों को पता है ये मेटल रॉड को क्या कहा जाता है? जैसे ऐसा मेटल रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड या एनोड? एनोड। एनोड। एनोड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एनोड। ओके, और ऐसा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक रॉड, मेटल रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। फिर ये दोनों आप लोगों के रॉड को मैं एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये बैटरी है, दिस इज कॉल्ड एज अ बैटरी। बैटरी मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ, तो देखिए बैटरी में भी दो टर्मिनल होते, पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, राइट। तो आप देख सकते हो बैटरी में मैंने एक लाइन बड़ी निकाली है और एक लाइन छोटी निकाली। तो ये बड़ी लाइन का मतलब होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटी लाइन का मतलब होता है ये निगेटिव टर्मिनल है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट, और यहाँ पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कौन से रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर बराबर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है माइकल फैराडे का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। समझे? मतलब सॉल्यूशन ऑफ नमक मतलब NaCl एंड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, दोनों में भी मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। अब मुझे बताइए कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों सॉल्यूशन में से पास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा पक्का? या दोनों में पास होगा या किसी में भी नहीं होगा? एक में होगा, एक में होगा, एक में नहीं होगा।
एक में होगा एक में नहीं, एक सॉल्यूशन में पास होगा एक सॉल्यूशन में पास नहीं होगा। तो बताइए वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? NaCl सॉल्ट वाला। NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बराबर है, और ग्लूकोज में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। डन। मतलब सॉल्यूशन भी दो टाइप के होंगे, कौन से दो टाइप? क्या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और सॉल्यूशन से नहीं होती है उसको ना हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है सर? आप पॉज हो गए। हाँ सर आप पॉज हो गए। आप पटक गए सर, वीडियो पॉज हो गए। अभी दिख रहे हो सर? तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उसको मैं क्या कहूंगा? भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं कहूंगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाएगा उसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वाली चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो फैराडे ने क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। चलो लेकिन इससे भी एक पहली बात, अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं होता, ये सवाल है। आपने ये तो बता दिया है ना, जैसे जॉन डाल्टन ने बता दिया कि भाई एटम जो होते सेम एलिमेंट के उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, बट क्यों होती है ये वो नहीं बता पाया था। वैसे यहाँ सवाल है, आपने अभी ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बट क्यों होता है ये बताइए। ट्रांसफर ऑफ आयंस। वेरी गुड। क्यों होता है? ट्रांसफर ऑफ आयंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? आयंस तैयार होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? आयंस तैयार होते हैं। समझ में आ रहा है? अब आयंस का मतलब पता है ना क्या होता है? बताओ भाई आयंस का मतलब क्या होता है? जिसके चार्जेस रहते, जिसके ऊपर चार्ज। आयंस मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर चार्ज होता है, या तो वो एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है या फिर कभी कभार वो मॉलिक्यूल के ऊपर में भी चार्ज हो सकता है, राइट? डजंट मैटर। अब मुझे बताओ इसमें मैं Na पॉजिटिव को आयन कहूँ या SO4 2 नेगेटिव को आयन कहूँ या दोनों को भी कह सकता हूँ? दोनों को भी कह सकते हैं। मतलब जरूरी है क्या कि आयन मतलब सिर्फ के ऊपर ही चार्ज होने को होना? Is it necessary? No. The charge can be on an atom or the charge can be on a molecules. Okay, done. और जब ये charges होते हैं आपके atom या molecule के ऊपर तब हम उसको ion कहते हैं। तो electrolytes में से electric current pass होता है क्योंकि electrolytes के अंदर क्या होते हैं? Ions होते हैं। Electrolytes के अंदर क्या होते हैं? Ions होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब ये ions कैसे हो गए? मतलब तुझे कि भाई मैंने डाल दिया सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया और आयंस तैयार हो गया, ऐसा होता है? या फिर सॉल्यूशन में NaCl डालने के बाद में इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, क्या लगता है आप लोगों को?
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वो देखते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर कि ये मैंने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया किसका, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का। एक्वस सॉल्यूशन आप लोग किसका बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट का बनाया हुआ है, और इसमें मैंने वही दो आप लोगों के रॉड डाल दिए। कौन से दो रॉड डाल दिए भाई मैंने इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड एंड एनोड। तो मतलब कैथोड एंड एनोड, तो मतलब रॉड कौन सा है, ये वाला रॉड कौन सा है, कैथोड या एनोड या फिर कैथोड। कैथोड है पक्का? हां सर। हां सर। एनोड एनोड एनोड। जरूरी है क्या भाई इसको कैथोड बोलो और इसको एनोड बोलो, जरूरी है? इसको एनोड नहीं बोल सकते? हाँ, नहीं नहीं क्यों? इसको मैं एनोड क्यों नहीं बोल सकता क्या, इसको मैं एनोड क्यों नहीं कह सकता था? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड के ऊपर। इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये बोला आपने? अरे हाँ यार, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। भाई मुझे इसको कैथोड क्यों बोलना है, क्योंकि ये बैटरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था बैटरी, बैटरी में मैंने क्या बोला था, जो बड़ी लाइट रहती है मतलब वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव। छोटी लाइन रहती है वो नेगेटिव। टर्मिनल के साथ जो रॉड अटैच रहेगा वो वाला रॉड कौन सा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव रॉड को आप कौन सा रॉड देते हैं, कैथोड कैथोड रॉड। समझ में आ गया आपको? यस हाँ सर। हाँ सर। तो अब तो जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट का मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ये? NaCl। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ये जो NaCl है, NaCl एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो NaCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, इसीलिए मैं लिखूंगा NaCl aqueous। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, NaCl aqueous, ठीक है डन। तो देखिए क्या होता है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो ये जो NaCl aqueous है ओके, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन ओके, ब्रेक डाउन। किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये Na पॉजिटिव एक्वियस प्लस Cl नेगेटिव एक्वियस, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये Na पॉजिटिव एक्वस है, पॉजिटिव है मतलब ये क्या है, आयन है, और ये भी क्या है, आयन है। ये आयन कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है। ये आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन है, बराबर है? हाँ, तो पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं बताइए, कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या, एनोड। कैटायन या एनोड? कैटायन। कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, एनोड। एनोड ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया था, ये NaCl, NaCl को मैंने क्या बोला था, व्हाट इज एन NaCl, NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये NaCl का क्या हुआ यहाँ पर, ब्रेक डाउन हो गया। और ये ब्रेक डाउन का जब मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। मतलब ध्यान में आ रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू द पासिंग एन इलेक्ट्रो करंट, मतलब ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। क्या हो गया यहाँ पर,
इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझ में आ गया भाई आपको अच्छे से? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ठीक है वो अगर पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स मतलब कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होता है तब हम उसको क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से आपकी क्या तैयार हुए वहां पर? आयन्स तैयार हुए। ओके, क्या तैयार हुए? आयन्स। केतकी ठेंगणे तुला कुणाला मेसेज करायचं होतं का? ओ केतकी ठेंगणे ठेंगणे बाई और ठेंगणे बाई आज का तुम्ही क्लास मध्ये आहात ना? हो। कुणाला मेसेज करायचं होता बेटा? सर ते विचारत होती तिचा आवाज क्लियर येत आहे का नाही। अच्छा, कोणी विचारलं हे? साक्षी पिदूर। कोणती साक्षी? ए किदूरकर बाई तुला मला नाही विचारताय का? तिचा आवाज येतोय म्हणजे येत नाही मी येतोय नाही त्याच्याला लोकांना डिस्टर्ब करत बसली आहेस तू। सॉरी सर। हा सर। क्या हम लोग दूसरी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना? देखो पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान चला गया वहां पर है ना, आता मला दिसलं हो चांगल्याने येत आहे, आता मग विचार करत बसला माणूस काय चांगलं येत आहे हा काय दिमाग में हद्दात सवाल आ जाते भाई काय चांगलं येत आहे क्या समझ रहे ना? डिस्ट्रैक्ट हो जाता भाई इंसान और ये मैसेज वो सबको कर रही है, एवरीवन को कर रही है, पर्सनली भी नहीं किया। अब कोई लड़का अगर देख रहा होगा पढ़ रहा होगा वो बेचारा लड़का तो पागल हो गया होगा ना भाई, इसने किस चीज के लिए हाँ बोल दिया और क्या अच्छे से आ रही है क्या, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर? सॉरी सर। समझे ना? देखिए यार क्या होता है मैं जानता हूँ, क्लास में हम लोग 40 मिनट के 40 मिनट कॉन्सेंट्रेट नहीं दे सकते ठीक है। कौन लोग? हम लोग बोले तो हमारे जैसे गधे लोग लिटरली स्पीकिंग जो रहते हैं ना बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड वो बराबर 40 मिनट की क्लास में कॉन्सेंट्रेट दे ही देते हैं पहली चीज। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि भाई चलो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं भी देते हैं ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई हम लोगों से होशियार तो और कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। कोई भी व्यक्ति हो कोई भी इंसान हो वो कितना भी गधार हो वो खुद को ही होशियार मानता है और वो खुद के आगे लोगों को गधा ही मानता है और ये सही भी बात है, हमें वैसा ही मानना भी चाहिए। लेकिन यार ये मानने के लिए कुछ ऐसे काम करो जिससे कि लोग भी माने कि नहीं तुम सच में होशियार हो। लाइक अभी आप मैसेज कर रहे हो तो भाई पर्सनली कर लो ना, एवरीवन में क्यों कर रहे हो आप? इतकी गलती से क्या हो गया? एवरीवन पे चला गया, मेरे को तो पर्सनली करना था राइट, या मेरे को मैसेज ही नहीं करना था, गलती क्या है भाई? गलती क्या है तुम्हारी? सॉरी सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, या मैं डिस्टर्ब हो गया, कितने फालतू की बात कर ली मैंने, कितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट का जब ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू द पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? आयन्स में, जो कि दो टाइप के आयन्स होता है, पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। अब सवाल ये आता है कि पॉजिटिव आयन को हमने कैटायन नाम दिया है और निगेटिव आयन को हमने एनायन नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कैथोड, कैथोड मतलब कौन सा रॉड होता है? पॉजिटिव और सॉरी निगेटिव, और एनोड मतलब पॉजिटिव होता है ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे कैथोड कैटायन दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए अपोजिट?